सीलिया एंड फ्लेजेला दे आर अकरेंस एंड दे आर फंक्शन फर्स्ट द कंटेंस सीलिया अ करेंस ऑफ सीलिया फंक्शन ऑफ सीलिया देन फ्लेजेलम आर फ्लेजेला दे आर अकरेंस एंड दे आर फंक्शंस एंड द लास्ट आ कंपेरिजन बिटवीन सीलिया एंड फ्लेजेला तो फर्स्ट द सीलिया अगर हम सीलिया को देखें जनरली सीलिया दे आर प्रेजेंट इन और ट्रेकिया ट्रैकिया कहते हैं विंड पाइप जो हमारी है जो जो एयर पाइप जो लंग्स की तरफ जा रहा है बेसिकली उसकी वाल्स के अंदर जब ट्रैकिया मौजूद जब वो उसको जिस पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं और उसकी वाल्स के ऊपर जब वो सीले सीलिएटेड सेल्स मौजूद हैं सीलिया वाले सेल्स मौजूद हैं फिलोपिन ट्यूब फेलोपिन ट्यूब्स बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं जो आमतौर तो पर एग्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं टूवर्ड तो द यूट्रस इस प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है प्रोटोजोआ हमारे पास जब वो के अंदर पैरामिशियम है जिसके ऊपर जो है वो सीरिया मौजूद है जैसा इन्वर्टिब्रेट लारवल जो लारवल स्टेज इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर है उसमें भी ये सीरिया जो है वो पाए जाते हैं तो व्हाट इज़ देयर फंक्शन अगर हम सीरिया की बात करें कि ह्यूमन में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ह्यूमन में जैसे मैंने जिक्र किया है कि दो जगहों के ऊपर सीरिया मौजूद हैं एक हमारे मेनली जो है वो दो जगहों के ऊपर मौजूद है एक है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के साइड्स के ऊपर जो है वो सेल्स मौजूद सीरेटेड सेल्स मौजूद हैं अच्छा हम जब एयर के अंदर एयर इन्ेल करते हैं उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं ये डस्ट पार्टिकल जैसे ही हमारे ट्रैकिया से पास होते हैं तो ट्रेकिया की जो वॉल्स हैं उसके ऊपर म्यूकस है स्टिकी म्यूकस है अब होता यह है कि जैसे ही एयर पास करते हैं तो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या जो जर्म्स होते हैं माइक्रोव्स होते हैं वो उस म्यूकस के अंदर फंस जाते हैं अब ये जो एयर पास होकर फिल्टर होकर आगे चली जाएगी लंग्स की तरफ जबकि उसके अंदर एयर पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर इसके अलावा जो स्मॉल माइक्रोब्स हैं दे आर एक्चुअली ट्रैप्ड इन टू द म्यूकस ऑफ द्रैकिया ट्रैकिया के म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं अब यह है कि जो ट्रैप होने के बाद अगला जो स्टेप है वो यह है कि आप इस डस्ट को और जो माइक्रोब्स हैं उनको वापस बॉडी से बाहर निकाल लें तो सीलिया का यहाँ रोल है सीलिया क्या करते हैं कि मसल से दे बीट अपवर्ड वर्ड वो आप बीट करेंगे जिसकी वजह से अक्सर देखें हम शाम को जब घर जाते हैं तो जब थोड़ा सा कुल्ली हैं साथ जब जो सूट निकलता है यानी जब उसको खांसते हैं तो ब्लैक ब्लैक कलर का जो होता है वो सूट निकल रहा होता है ये बेसिकली वो सूट होता है ये डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमारे जब रेस्पिरेटरी ट्रैक से गुजर है तो हमारी ट्रैकिया के म्यूकस के अंदर उसको फिल्टर आउट कर उसको जब वो ट्रैप कर लिया गया था सीलिया उसको ऊपर गले की तरफ भेजते हैं और फिर हम जब खांसते हैं तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं फिलिपियन ट्यूब्स के अंदर फैलिपिन ट्यूब्स बेसिकली जब हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है तो एग्स जब ओवरी से रिलीज होती हैं तो फिलिपियन ट्यूब्स के थ्रू वो जाते हैं यूट्रस की तरफ तो एग को आगे मूव करवाना जो है ये बेसिकली सीलिया का काम तो फिलिपियन ट्यूब के अंदर जो सीलिया है दे आर मूविंग द एग टू वर्ड फॉरवर्ड तो आगे की तरफ जो उसको मूव कर रहे होते हैं प्रोटोजा और फिर जो लार्वे हैं इनवर्टिब्रेट्स के उनके अंदर जो सीलिया का बेसिक फंक्शन है वो लोकोमोशन है जैसे पैरामिशियम फास्टली मूव करता है अगर हम मार्केसकोपन देखें तो इत बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा होता है तो जो पैरामिशियन की मूवमेंट है इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द सिलिया इसी तरह से जो इनोवर्टिव रेड्स ला है जैसे ट्रोकोफोर फोर है एनी लीड्स का है उसके अंदर भी जो मूवमेंट है उसकी बेसिकली ड्यू टू सीलिया जो है वो मौजूद होती है यहाँ अगर ड्राइग्रामेटिकली देखें तो ये जो हमारा ट्रैकिया ट्रैकिया कहते हैं तो विंड पाइप यानी कि हमारे नेजल पैसे से एयर आएगी अंदर जैसे ही एयर ट्रैकिया से पास होती है तो ट्रैकिया की वाल्स के ऊपर यहाँ पर देखिए ये बहुत एक थिक म्यूकस आपको नजर आ रहा है इस म्यूकस के अंदर ये पार्टिकल्स हैं ट्रैप होते चले जाते हैं अब अगर ये यह म्यूकस यहीं रहेगा तो आसा हमारा जो ट्रैकिया है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा इन पार्टिकल्स की वजह से तो कुदरत ने एक सिस्टम रखा हुआ है वो यह है कि ट्रेकिया की वाल्स के जो सेल्स हैं वो सिलिएटेड हैं तो ये सिलिएटेड सेल्स के सीरिया जो मसलसल बीट करते हैं और ये मूव करेंगे जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो म्यूकस है उसको टू वर्ड द माउथ तो ओरल कैविटी की तरफ इसको जाए वो मूव किया जाता है तो ये रोल है हमारे ट्रैकिया के अंदर जो है वो सेल्स का सेकेंड डाइग्राम आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक ट्रोकोफोर लार्वा है एनीलिड्स का लार्वा है ये इसके ऊपर आपको डिफरेंट सीलिया नज़र आ रहे हैं डिफरेंट पोजिशन के ऊपर जो है वो सीलिया मौजूद हैं और इस सीलिया का बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि क्योंकि लार्वी इक्वेटिक है यानी वाटर के अंदर पाया जाता है तो वाटर के अंदर मूव करना फूड हासिल करना ये बेसिकली इसने जो है वो इट मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया फ्लेजेलम अब फ्लेजेला की बात करें अच्छा मल्टीपल जो है तो अगर जो जोपोलुलर है वो फ्लेजेला है जबकि सिंगल अगर एक है फिथ्रेड है तो उसके लिए हम फ्लेजेलम का वर्ड यूज़ करते हैं इसकी अगर अकरस की बात करते हैं तो फ्लेजेला दे आर प्रजेंट इन द प्रोटोजोन फ्लैजीलेटेड प्रोटोजोन के अंदर मौजूद है बैक्टीरिया के अंदर फ्लेजेला पाए जाते हैं और इसके साथ साथ जो गैमीट्स हैं गैमीट्स चाहे एल के गैमीट्स हैं फंगस के गैमीट्स हैं या फिर कुछ एनिमल्स के गैमीट्स के अंदर जो है वो फ्लेजेलम होते हैं तो फ्लेजेलम इसको हम यू कैटेगराइज कर सकते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फ्लैजीलेटेड प्रोटोजोआ, दे आर प्रेजेंट इन द फ्लैजीलेटेड बैक्टीरिया दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द गैमीट्स प्रेजेंट इन दर द गिट्स ऑफ फंगस गैमीट्स ऑफ एल जी गैमीट्स ऑफ प्लांट्स गैमीट्स ऑफ सम एनिमल्स वट इज द फंक्शन ऑफ फ्लेजेला फ्लेजेला का मेनली जो मेन या प्राइमरी रोल है दैट इज द लोकोमोशन तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये लोकोमोशन के लिए मूवमेंट के लिए यूज़ होता है तो एनिमल जब एक जैसा दूसरे जगह मूव करना है तो ये जैसे हमारे पास जो अगर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो यूनिसेलर ऑर्गन है कले मेडमरास अपना पड़ा हुआ है युगलिना पड़ा हुआ है तो यूगलना और कले मैडमोरास के अगर पीछे देखें कि लंबा सा धागा उसके साथ मौजूद है यानी फ्लेजेला मौजूद होता है जो जब मूव करेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा कि जो एनिमल है इट विल मूव अच्छा एक लेस जो वो प्रोमिनेंट फंक्शन है फ्लेजेलम का दैट इज़ द सेंसरी ऑर्गन्स तो एक ऑर्गन आर्गनेली के तौर पर मौजूद है यानी ये ना सिर्फ मूवमेंट करता है बल्कि सेंसेशन भी कर सकता है केमिकल्स को ये क्या कर सकता है सेंस करने की एबिलिटी रखता है हेयर द कंपेरिजन बिटवीन सीलिया एंड फ्लेजेला यहाँ हमारे सीलिया फ्लेजेला के दरमियान एक कंपेरिजन है इस कंपेरिजन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है लेंथ सीलिया की जो लेंथ है बहुत शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू फ्लेजेला फ्लजेला बहुत लॉन्ग है जबकि सीलिया की जो है लेंथ जो है बहुत शॉर्ट है इसके अलावा सीलिया का नंबर बहुत ज़्यादा है जबकि सी का नंबर क्या होता है कम होता है सेल के ऊपर इसका नंबर जो है वो रिलेटिवली लेस नंबर होता है जो हमारे पास है अच्छा एक और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लजेला इज देयर मेथड ऑफ जो है वो लोकोमोशन या मूवमेंट जो है वो अच्छा अगर आप देखें तो जो सीलिया है वो हमेशा जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेगा यानी ये सीलिया है जब इसकी मूवमेंट होगी तो ये सी आगे तरफ जाएगा पीछे की तरफ जाएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो इसकी मूवमेंट होती है जबकि फ्लजेलम की जो मूवमेंट है वो वाइप लाइक -like है चाबक की तरह है यानी ये आगे से यू यूं यूँ यूँ यूं, एक वेव की तरह जो है मूव करता है तो इसकी मूवमेंट जो है, -like होती है वाइप लाइक होती है फ्लजेलम की यानी एक चाबक की तरह जो होती है जबकि सीलिया की जो मूवमेंट होती है वो आमतौर पर बैक और फोर्थ डायरेक्शन में होती है इसकी बेसिक रीज़न ये है कि सीलिया बहुत शॉर्ट होता है ये बड़े स्ट्रेट वे में आगे और पीछे मूव कर सकता है जबकि फ्लेजेलम एक लंबा या वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो इसके लिए पूरे के पूरे फ्लेजेलम को आगे और पीछे मूव करना जो है काफ़ी मुश्किल है तो फिर ये क्या करेगा कि ये वाइप लाइक मूवमेंट शो करता है